हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11 ज्योग्राफी। और आज हम देखेंगे क्लास 11 की ज्योग्राफी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट का चैप्टर नंबर 3 अपना चल रहा है, द ड्रेनेज सिस्टम। और इसमें हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3, हिमालयन ड्रेनेज के बारे में डिस्कस करेंगे। दो चैप्टर में पूरी तरह से कंप्लीट करा चुका हूँ, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड, तो उनको जरूर देखें क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो हमारे पिछले वाले लेक्चर्स में हम कवर करा चुके हैं, जो हमारे हर लेक्चर में कहीं ना कहीं काम आते हैं। छोटा सा एक बेसिक्स हम देखेंगे, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इसको फिर भी एक बार देख लेते हैं, रिवर्स के बारे में। जैसे मान लो रिवर्स यहाँ से माउंटेन एरिया से ऑरिजिनेट हो रही है, रिवर्स यहाँ से शुरू हो रही है, तो रिवर्स जहाँ से निकलना स्टार्ट करती है उस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं रिवर का सोर्स। सपोज यहाँ पे कोई ग्लेशियर है, वो ग्लेशियर पिघल रहा है और यहाँ से पानी निकल रहा है, तो रिवर जहाँ से निकल रही है ऑरिजिनेट हो रही है उसको हम रिवर का सोर्स बोलते हैं। अच्छा, अब रिवर सपोज एक रिवर यहाँ से आ रही है, एक रिवर यहाँ से आ रही है, तो ऐसे रिवर फ्लो करते करते कहाँ पर जाकर मिल जाती है, ओशियन में जाकर मिल जाती है, समुद्र में जाके मिल जाती है। तो ये जो रिवर ऐसे फ्लो कर रही है यहाँ से यहाँ तक, स्टार्टिंग से एंड तक, ये पूरा की पूरा क्या कहलाता है, रिवर का कोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, रिवर का कोर्स। इसमें एक तो मेन रिवर हो गई, ये वाली तो मेन रिवर है, मेन रिवर में कई लेफ्ट से कोई राइट से ऐसे करके ट्रिब्यूटरीज मिल जाती हैं, छोटी छोटी नदियाँ मिल जाती हैं, उन छोटी छोटी नदियों को बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। जहाँ पर नदियाँ मिलती हैं, जैसे एक नदी यहाँ आ रही है, एक यहाँ पर आ रही है, जहाँ पर मिलती हैं उस वाले पॉइंट को बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस का मतलब है एक मीटिंग पॉइंट, ठीक है, ओके। और भी इससे बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे लेवीज, मियांडर्स, ऑक्सबो लेक, चैनल, ठीक है, और ये डेल्टा, एस्चुरी, ये रिवर से रिलेटेड है। और माउथ, रिवर का माउथ कहाँ होता है, जहाँ पर रिवर अपने को ओशियन के साथ मिला लेती है, ठीक है। एक और डायग्राम है यहाँ पे, अब जैसे यहाँ से रिवर स्टार्ट हुई और यहाँ से फ्लो करते करते यहाँ पे आके मिल गई। अच्छा, स्टार्टिंग वाला जो ये वाला फेज होता है इसको बोलते हैं अपर फेज, ठीक है, या अपर कोर्स बोलते हैं। बीच वाले को बोलते हैं मिडिल कोर्स और सबसे लास्ट वाले को बोलते हैं लोअर कोर्स। जब रिवर अपने अपर कोर्स में होती है, कौन से कोर्स में, अपर कोर्स में होती है, तो ऊपर से बहुत तेज गति से आती है, हिली एरिया से या माउंटेनियस एरिया से बहुत तेज़ी से आती है और वाटरफॉल्स, रैपिड्स जैसी चीज़ें बनाती है, और साथ के साथ में वी से वैली बनाती है, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इरोजन करती है। आपको पता है रिवर में पानी होता है और पानी जब बहुत तेज़ गति से आएगा तो ये क्या करेगा, इरोजन करेगा। माउंटेन्स का इरोजन करते हैं तो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स और बाउल्डर्स, स्टोन्स, ये सारी चीज़ें लेके आती हैं। मिडिल कोर्स में आती है रिवर्स, थोड़ी स्पीड कम हो जाती है और यहाँ पर मेंडरिंग करना स्टार्ट कर देती है। मेंडरिंग मतलब ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स, मेंडरिंग का मतलब जब रिवर्स ऐसे करती है तो इसको ट्विस्ट एंड टर्न्स को ही क्या बोलते हैं, मेंडरिंग करते हैं। और जब रिवर अपनी लास्ट स्टेज में पहुँच जाती है तो वो है लोअर कोर्स, यहाँ पर रिवर की स्पीड बहुत कम हो जाती है, तो रिवर समुद्र में मिलने से पहले अपने साथ जो सेडिमेंट्स हैं, लोड्स हैं, उसको यहाँ पर डिपोजिट कर देती है और डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। तो लास्ट वाले पार्ट में ये ऑक्सबो लेक्स, फ्लड प्लेन्स, लेवीज, डेल्टा, इनका निर्माण करेंगी, ठीक है। ये और बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर है, यहाँ से देखो माउंटेन एरिया से रिवर ओरिजिनेट हुई, फिर मीएंडरिंग करना स्टार्ट हुई, फाइनली यहाँ पर ओशन के साथ आके मिल जाती है, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना, रिवर का कोर्स, तो ऊपर वाले कोर्स को अपर कोर्स, फिर मिडिल कोर्स, फिर लोअर कोर्स। यहाँ पर स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तो इरोजन बहुत ज़्यादा करती है, यहाँ पर कम हो जाती है, यहाँ पर बहुत कम हो जाती है। जब रिवर की स्पीड बहुत कम हो जाती है तो ये डिपोजिशन करना स्टार्ट करती है, जब रिवर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तो ये इरोजन करती है, इरोजन करती है तो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती है। डिपोजिशन में जो भी सेडिमेंट्स लेके आई है उसको ये डिपोजिट करेगी और कई सारे फ्लड प्लेन्स का निर्माण करेगी, ठीक है। तो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है इसमें बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंड बिग रिवर्स हैं, कई सारी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, कई छोटी छोटी नदियाँ हैं। अपना जो इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम है ये एक आउटकम है किसका, इवोल्यूशनरी प्रोसेस, ठीक है। इट इज़ द आउटकम ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ द थ्री मेजर फिजियोग्राफिक यूनिट्स एंड द नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। मतलब तीन मेजर फिजियोग्राफिक यूनिट्स कौन सी है, मैंने सेकंड वाले चैप्टर में पढ़ाया था, एक तो प्लेन्स हो गए, एक माउंटेन्स हो गए, कौन कौन से, हिमालयन माउंटेन और पेनिनसुलर माउंटेन्स, और एक पेनिनसुलर प्लेट्यू या पेनिनसुलर ब्लॉक। तो ये तीन फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं, इनका जो इवोल्यूशन हुआ उसी के साथ साथ ड्रेनेज सिस्टम का भी क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, और साथ के साथ में प्रेसिपिटेशन भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपको पता है नॉर्थ इंडिया में जो रिवर्स होती हैं उनको हम बोलते हैं पेरेनियल, साउथ इंडिया में जो रिवर्स होती हैं उनको बोलते हैं सीजनल। पेरेनियल सीजनल में अंतर बता चुका हूँ और बाद में एक बार फिर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल हम देखेंगे हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, किसके बारे में देखेंगे, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम मतलब हिमालय से जो रिवर्स ओरिजिनेट हो रही हैं वो क्या बनाती हैं, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण करेंगी। तो हिमालयन ड्रेनेज में मेनली तीन रिवर्स आती हैं, इंडस, फिर आती है ब्रह्मपुत्र, फिर आती है गंगा, ठीक है। तो ये तीन रिवर कौन सा ड्रेनेज सिस्टम बनाती हैं, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। तो द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम
हैज इवॉल्व्ड थ्रू ए लॉन्ग जियोलॉजिकल हिस्ट्री। तो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम ऐसा नहीं है कि एक ही बार में ये डेवलप हो गया, इसको भी बहुत ही लंबा वक्त लगा है। आपको पता है इंडिया को डेवलप होने में भी बहुत ही ज़्यादा वक्त लगा है। डेवलप इन द सेंस फिजिकली मैं बात कर रहा हूँ, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। आज की डेट में जो शेप है इंडिया की, ये ऐसी नहीं हुआ करती थी। इंडिया पहले आपको पता है गोंडवाना लैंड जो है उसका पार्ट हुआ करती थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, फिर उसमें से ऑस्ट्रेलिया वाली प्लेट अलग हुई, इंडिया वाली प्लेट नॉर्थवर्ड मूवमेंट करती है, यूरेशिया वाली प्लेट से टकराती है, फिर हिमालय का निर्माण होता है, वहाँ से कई सारी रिवर्स हिमालय को कट करते हुए आती हैं। ठीक है, तो जो रिवर्स भी हैं ऐसा नहीं है कि तुरंत बन गई हैं, इसमें बहुत लंबी जियोलॉजिकल हिस्ट्री है। जैसे जैसे इंडिया के फिजियोग्राफिक डिविजन्स का निर्माण हुआ, वैसे वैसे ड्रेनेज सिस्टम का भी क्या हुआ, निर्माण हुआ, कुछ पहले से यहाँ पर अवेलेबल था। तो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम इसमें मेनली तीन चीज़ आती हैं, गंगा का ड्रेनेज सिस्टम, इंडस रिवर का ड्रेनेज सिस्टम और ब्रह्मपुत्र का ड्रेनेज सिस्टम। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से निकल रही है आपकी इंडस रिवर और ये पाकिस्तान से होते हुए कहाँ पर चली जाती है, अरेबियन सी में जाकर गिर जाती है। यहाँ से आपकी गंगा रिवर ओरिजिनेट हो रही है और ये जाकर गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। यहाँ से कहीं से आपकी आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट होगी चाइना में होते हुए अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बांग्लादेश से होते हुए ये भी बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती हैं। जहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती है वहाँ पर वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा बनता है सुंदरबन डेल्टा, तो इनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। सिंस दीज आर फेड बोथ बाई मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड प्रेसिपिटेशन, रिवर्स ऑफ दीज सिस्टम आर कॉल्ड पेरिनियल। अब देखो ये जो रिवर्स हैं, हिमालयन जो रिवर्स हैं, यहाँ पे जो पानी आता है वो दो प्रकार से आता है। एक तो यहाँ पे आपको पता है बहुत सारे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ग्लेशियर्स, बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ पाए जाते हैं, कई किलोमीटर में फैले हुए ग्लेशियर्स हैं, बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं। और ये ग्लेशियर्स क्या है, लगातार मेल्ट होते रहते हैं, पिघलते रहते हैं, और जब ये ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो इसमें से पानी निकलता है और वो पानी जो है वो रिवर्स में जाता है। तो पहली बात तो जो ये रिवर्स हैं, हिमालयन रिवर्स, इसमें पानी का पहला सोर्स क्या है, ग्लेशियर्स हैं। दूसरा प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन का मतलब रेनफॉल, यहाँ पर जो बरसात, फिलहाल यहाँ पर रेनफॉल कह रहा हूँ मैं, ठीक है, तो जो बादल बरसते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। अब चाहे वो किसी भी फॉर्म में बरसें, बरसात के रूप में, रेनफॉल के रूप में बरसें, स्नोफॉल के रूप में बरसें, कैसे भी बरसें, तो यहाँ पे मेनली हम प्रेसिपिटेशन का मतलब है रेनफॉल से। तो जो बरसात होती है, बरसात का पानी भी रिवर्स में आता है। तो यहाँ की जो रिवर्स हैं, हिमालयन रिवर्स, यहाँ पे दोनों प्रकार का पानी आता है, स्नो, एक तो आपके ग्लेशियर्स के पिघलने से, दूसरा प्रेसिपिटेशन से। इसलिए इन रिवर्स में, गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, पानी क्या है, पूरी साल यहाँ पे बहता रहता है, थ्रू आउट द ईयर वाटर अवेलेबल रहता है। अब चूंकि पानी पूरी साल अवेलेबल रहता है इसलिए इन रिवर्स को हम बोलते हैं पेरेनियल, और पेरेनियल रिवर्स ऐसी होती हैं जो पूरे साल फ्लो करती हैं। ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर मंथ में फ्लो कर रही हैं या किसी पर्टिकुलर टाइम में फ्लो नहीं कर रही हैं। ऐसी रिवर्स जो पूरी साल फ्लो करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पेरिनियल रिवर्स बोलते हैं। क्यों फ्लो करती हैं? क्योंकि ग्लेशियर्स लगातार मेल्ट होते रहते हैं तो उनमें से पानी निकलता रहता है, साथ के साथ बरसात भी आती है, तो ये रिवर्स की जो स्पीड भी होती है बहुत तेज होती है। ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे ग्लेशियर्स पिघलते हैं, पानी आता है और ये पानी फिर बहता है और बह के फिर रिवर का रूप ले लेता है। बरसात का पानी होता है वो भी बहुत ज़्यादा पानी होता है, ये भी रिवर्स में चला जाता है। तो अपनी जो हिमालयन रिवर्स हैं वहाँ पर पानी का दोनों सोर्सेस हैं, ग्लेशियर्स भी हैं और रेनफॉल हैं, इसलिए जनरली ये पेरिनियल कहलाती हैं क्योंकि ये पूरी साल फ्लो करती रहती हैं। ठीक है, दीज रिवर्स, कौन सी रिवर्स, हिमालयन रिवर्स, पास थ्रू जायंट जॉर्जेज, जाइंट गॉर्जेस, सॉरी, तो ये जाइंट का मतलब बड़े बड़े गॉर्जेस से होते हुए ये गुजरती हैं। देखो जो छोटी छोटी वैलीज होती हैं वही लगातार इरोजन होता जाए तो वो क्या बन जाते हैं, गॉर्ज बन जाते हैं, बड़े बड़े गॉर्ज बन जाते हैं। तो ये रिवर्स हैं बड़े बड़े गॉर्ज से होते हुए निकलती हैं, कार्व आउट बाय द इरोजनल एक्टिविटी। ये गॉर्जेज जो वैली होती हैं, गॉर्जेज होते हैं, ये कैसे बनते हैं, जब रिवर क्या करती है, इरोजनल एक्टिविटी करती है। इरोजन मतलब जब ये माउंटेन एरिया से होकर गुजरेगी तो माउंटेन एरिया का क्या करेगी, इरोजन करेगी, क्योंकि पानी जो होता है लगातार जब फ्लो करेगा तो उनका क्या करेगा, इरोजन करेगा। तो इरोजन करके कई सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं, कई सारे फ्लड जो अलग अलग आपको फिजियोग्राफिक डिवीजन देखने को मिलेंगे, जैसे या हम कह सकते हैं लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे, जैसे आपको वैलीज हो गई, गॉर्जेज हो गई, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो दीज रिवर्स पास थ्रू जायंट गॉर्जेज कार्व आउट बाय द इरोजनल एक्टिविटी। ये गॉर्जेज कैसे बनाए गए, इरोजनल एक्टिविटी के द्वारा, कैरिड आउट साइमल्टेनियसली विद द अपलिफ्ट ऑफ हिमालय। आपको पता है हिमालय का अपलिफ्टमेंट होता गया जब इंडिया वाली प्लेट यूरेशियन वाली प्लेट से टकराई, तो यहाँ बीच में आपको पता है 33 ओशियन हुआ करता था, तो उसमें जो सेडिमेंट्स थे या 33 ओशियन वही क्या कर गया, वो सेडिमेंट्स राइज कर गए और राइज करके हिमालय बन गया। उसी समय रिवर्स यहाँ से पास हो रही थी तो इन्होंने क्या किया, लगातार इनका इरोजन किया, तो यहाँ पर बड़े बड़े क्या बनाए, जॉइंट जो गॉर्जेज बनाए,
वी से वैलीज बनाई। बिसाइड डीप गोर्जेस, इन गहरे गोर्जेस के अलावा दीज रिवर्स ऑल्सो फॉर्म, क्या क्या बनाया, वी से वैली बनाई, रैपिड्स बनाए, वाटरफॉल्स बनाए इन दी माउंटेनियस कोर्स। तो जब ये अपनी रिवर्स माउंटेन से होते हुए फ्लो करती हैं तो माउंटेन वाले एरिया में ये सारी चीज़ें बनाती हैं, गॉर्जेस बनाती हैं, वी से वैलीज बनाती हैं, रैपिड्स बनाती हैं और वाटरफॉल्स बनाती हैं। तो पूछा जा सकता है कि रिवर माउंटेनियस कोर्स में क्या क्या चीज़, किस किस चीज़ का निर्माण करती हैं। तो ये तो हुई वैलीज, क्या हो गई, रिवर वैलीज, वी शेप में दिख रहा है ना, वैलीज, वी से वाली वैलीज, और यहाँ से क्या फ्लो कर रही है, रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है। और वाटर जब ऐसे जंप कर करके जाता है तो ये वाले सिस्टम जो होता है इसको हम बोलते हैं रैपिड्स। यहाँ पे ये देख रहे हो आप क्या है, बहुत ही खूबसूरत ये झरने, तो ये कहाँ मिलेंगे आपको, माउंटेनियस एरिया में जनरली देखने को मिलेंगे। वाइल एंटरिंग द प्लेन्स दे फॉर्म डिपोजिशनल फीचर्स। अब देखो जब रिवर्स माउंटेन एरिया से फ्लो करती हैं तो ये इरोजन करती हैं, कटाव करती हैं, माउंटेन्स का क्या करेंगे, इरोजन करेंगे। उनकी क्यों इरोजन करती हैं, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ये फ्लैट एरिया में जाती हैं, प्लेन वाले एरिया में, आपको पता है प्लेन्स कैसे एरिया हैं, प्लेन्स आपके फ्लैट एरिया हैं, फ्लैट एरिया में जाती है रिवर की स्पीड कम हो जाती है, कम हो जाती है तो रिवर अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेके आती है उनको क्या करने लगती है, डिपोजिट करने लगती है। तो डिपोजिट करके फ्लैट वैलीज, ऑक्सबो लेक्स, फ्लड प्लेन्स, ब्रेडेड चैनल्स, डेल्टाज, इन सारी चीज़ों का क्या करेगी, रिवर निर्माण करेगी। डेल्टा जनरली रिवर कहाँ बनाती है, रिवर माउथ पर। रिवर माउथ क्या होता है, जहाँ पर रिवर अपने आप को समुद्र में मिला देती है उसको हम बोलते हैं रिवर का माउथ। तो रिवर के माउथ पर डेल्टा बनते हैं। और डिपोजिशनल फीचर्स में क्या क्या आते हैं, फ्लैट वैलीज, ऑक्सबो लेक्स, फ्लड प्लेन्स, ब्रेडेड चैनल्स और डेल्टाज। ये आपके फ्लैट प्लेन्स हो गए, और ये आपकी मियांड्रिंग करती हुई रिवर हो गई, ठीक है, मियांड्रिंग कर रही है, और मियांड्रिंग करते करते क्या बना रही है, ऑक्सबो लेक्स। ये जो मियांड्रिंग करते समय ये पानी अलग हो जाता है ना, अलग छोटा सा भाग अलग हो जाता है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक्स, ठीक है। ये ब्रेडेड चैनल हो गया, जब रिवर कई सारे चैनल्स में डिवाइड हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं ब्रेडेड चैनल। ये आपको ब्रह्मपुत्र पे देखने को मिलेगा, मैंने फिजिकल डिवीजन वाले चैप्टर में बताया था, सेकंड वाले में, ठीक है। ये मैं बता ही चुका हूँ आपको, रिवर जहाँ से ओरिजिनेट होती है, सोर्स जहाँ पर मिलती है वो रिवर का माउथ होता है, वहीं पर डेल्टा, एस्चुरी, ये सारी चीज़ों का निर्माण होता है, ठीक है। इन द हिमालयन रीचेज द कोर्स ऑफ दीज रिवर्स इज हाईली टॉर्टस, बट ओवर द प्लेन्स दे डिस्प्ले स्ट्रॉन्ग मियांडरिंग टेंडेंसी एंड शिफ्ट देयर कोर्सेज फ्रिक्वेंटली। अब देखो हिमालय वाले रीजन में, मतलब माउंटेन वाले रीजन में, ये जो रिवर्स होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा टॉर्टस होती हैं, ठीक है। इन ये जो कोर्स होता है टॉर्टस, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड से आती हैं, और हाई स्पीड से आती हुई बहुत ही ज़्यादा तबाही मतलब मचाती हुई आती हैं, आतंक मचाती हुई आती हैं, और माउंटेन्स को क्या करती जाती हैं, इरोजन करती हैं, क्या करती हैं, इरोजन। मगर जैसे ये प्लेन्स में जाती हैं तो प्लेन्स में ये ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स करने लग जाती हैं, मियंडरिंग करती हैं, और प्लेन्स में ये अपना कोर्स बहुत ज़्यादा चेंज करती हैं, कभी यूँ फ्लो कर रही हैं तो पता चला कभी ऐसे फ्लो करने लग जाएंगे। तो मतलब ये रिवर की जो फ्लो की डायरेक्शन है उसका क्या हो गया, कोर्स। तो ये कोर्स है ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चेंज करती हैं, कहीं भी किधर भी फ्लो करने लग जाती हैं। जब रिवर्स कहीं भी किधर भी फ्लो करने लगेगी तो उसकी वजह से किसी एरिया में क्या आ जाएगी, फ्लड आ जाएगी, और वहाँ पर रहने वाले लोग बाग उससे क्या होंगे, अफेक्ट होंगे, तो उससे जनधन की क्या होगी, हानि होगी, ठीक है। ये रिवर्स हैं जो कहाँ पर फ्लो करती हैं, बिहार में फ्लो करती हैं, ठीक है। जैसे एक तो मेन रिवर हो गई गंगा रिवर, इसमें यहाँ पे कोसी रिवर आ रही है, कमला रिवर आ रही है, बागमती रिवर आ रही है, बूढ़ी गंडक रिवर आ रही है, गंडक रिवर आ रही है, इधर आपकी महानंदा रिवर आ रही है, इधर अजय, और ये आपकी क्यूल फागलू, और ये आपकी पुनपुन और सोन, ऐसे कई सारी रिवर्स हैं, ठीक है। तो रिवर जनरली एक ये मेन रिवर हो गई, एक लेफ्ट साइड में ट्रिब्यूटरीज मिलेंगी और एक राइट साइड में रिवर की ट्रिब्यूटरीज मिलती है। फिलहाल आप ध्यान रखना ये चाइना से होते हुए जा रही है, कौन सी आपकी, ब्रह्मपुत्र। यहाँ से ये वाली जो आ रही है आपकी गंगा, कौन सी आ रही है, गंगा आ रही है। और यहाँ से नेपाल से होते हुए एक रिवर आती है जो गंगा में मिल जाती है, वो है कोसी रिवर। तो ये नेपाल से फिर कहाँ पे जाती है, बिहार में जाती है। ये कोसी रिवर नेपाल से होते हुए कहाँ पे आएगी, बिहार, और फिर ये मिल जाएगी गंगा में। तो ये जो कोसी रिवर है ना, ये बिहार में बाढ़ लाती है, क्या लाती है, फ्लड लाती है। इसीलिए कोसी रिवर को क्या बोलते हैं, सोरो ऑफ बिहार, बिहार का शोक बोला जाता है। किस रिवर को, कोसी रिवर को बिहार का शोक बोला जाता है, क्योंकि ये रिवर बिहार में आती है, अपना कोर्स फ्रिक्वेंटली चेंज करती है, और बिहार में क्या ले आती है, बाढ़ ले आती है। इसी वजह से इस रिवर को बोलते हैं क्या बोलते हैं, बिहार का शोक बोला जाता है, ठीक है। तो ये रिवर्स हो गई, ये मेन वाली जो रिवर है ये गंगा रिवर हो गई, और ये आपकी नेपाल से होते हुए कौन सी रिवर आ रही है, कोसी रिवर आ रही है, ठीक है, ओके। तो रिवर कोसी ऑल्सो नोन एज सोरो बिहार हैज बीन नोटोरियस फॉर फ्रिक्वेंटली चेंजिंग इट्स कोर्स,
ठीक है। तो ये रिवर जो है नोटोरियस है, और क्यों नोटोरियस है, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली क्या करती है, कोर्स को चेंज करती है, इसलिए इसको शैतान बोल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा शैतान है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है, किसको परेशान करती है, बिहार के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि बिहार में ये लगातार अपना कोर्स चेंज करती है, और कोर्स चेंज करने की वजह से क्या होता है, वहाँ पर आसपास के एरिया में फ्लड आ जाती है। और कोर्स चेंज करने का भी रीज़न है क्योंकि ये क्या करती है, अपने साथ बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स लेके आती है माउंटेनियस रीजन से, ठीक है। ये सेडिमेंट्स कहाँ से लाती है, अपर रीचेज मतलब अपर कोर्स से क्या करेगी, सेडिमेंट्स लेके आएगी और उनको प्लेन्स में डिपोजिट कर देगी। जब ये रिवर फ्लो करती है और उन सेडिमेंट्स को अपने प्लेन्स में डिपोजिट कर देगी, तो रिवर का पानी जो है बाहर आ जाएगा। सपोज ये रिवर है, ठीक है, फ्लो कर रही है। अब मान लो सेडिमेंट्स यहाँ पर जमा हो गए तो पानी फिर क्या होगा, आसपास के एरिया में फैल जाएगा, और आसपास के एरिया में जब पानी फैल जाएगा तो वहाँ पे क्या आएगी, फ्लड आएगी। अब सपोज ये रिवर यहाँ से फ्लो कर रही है और यहाँ से सेडिमेंट्स आप बराबर उनको हटाते रहें, उसको डीसिल्टिंग बोलते हैं, सिल्ट जो है उसको हटाते रहें, गाद जो है उसको हटाते रहें, रिवर्स की प्रॉपर क्लीनिंग होती रहे, तो फिर क्या है, फ्लडिंग की संभावना कम हो जाती है। या फिर जिस रिवर में बहुत ही ज़्यादा पानी होता है तो उस पर क्या बना दिए जाते हैं, डैम बना दिए जाते हैं, प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट किया जाता है, तो वहाँ पर भी हम फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं डैम बनाकर, ठीक है। तो बिहार में अभी भी समस्या है बहुत ही ज़्यादा, ये जो रिवर है कोसी रिवर फ्रिक्वेंटली अपना कोर्स चेंज करती है। क्यों चेंज करती है, क्योंकि अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती है, उनको ये डिपॉजिट कर देती है प्लेन्स में, उस वजह से क्या होता है, रिवर का कोर्स जो है ब्लॉक हो जाता है और रिवर क्या कर लेती है, अपना कोर्स चेंज कर लेती है। तो इसका सॉल्यूशन ये, एक तो डीसिल्टिंग होनी चाहिए, मतलब जो गाद है, जो मतलब सेडिमेंट्स हैं वो बराबर हटाए जाने चाहिए रिवर में से, साफ कर टाइम टू टाइम साफ होने चाहिए, और साथ ही साथ में इसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डैम्स का निर्माण कर सकते हैं, जिससे जो एक्स्ट्रा पानी है वो कहाँ पर स्टोर हो सके, डैम्स में। ये भी एक तरीका है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन, पुराने वीडियो की नोटिफिकेशन, सारी चीज़ यहाँ पर मिलती रहेंगी। और साथ के साथ में हमारी ऐप आ चुकी है लकी एजुकेशन ऐप, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स आप ऐप से ऐप में पढ़ सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।